ओम शांति। आज हम दान का महत्व के ऊपर सुना रहे हैं। अब देखिए, विश्व में हर धर्म में दान का महत्व बहुत ऊंचा रखते हैं और दुनिया में दान को पुण्य समझते हैं। दान से हमारा पुण्य होता है और जब हमारी कोई आपदा आती है, कोई आवश्यकता के समय होता है, तब ये पुण्य का काम हमें मदद मिलती है। वैसे भी हम भगवान को याद करते हैं, कोई भी हमारी आपदा आती है, कोई परिस्थिति आती है, भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें मदद करो। भगवान मदद कहाँ से करेंगे? भगवान मदद कैसे करेंगे? जो हम दान करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, ये जमा किया हुआ दान पुण्य ही हमें उसका ब्याज सहित हमें आवश्यकता के समय पर मदद के रूप में मिलती है। जैसे कोई इंश्योरेंस करते हैं, भले थोड़ा ही वो इंश्योरेंस में भरते हैं, लेकिन कोई आपदा आ जाती है तो इंश्योरेंस से उसको पूरा पैसा उसको मिलता है, उसको मदद मिलती है। इसी प्रकार जो कुछ हम दान करते हैं और जिसको दान करते हैं, उसी के द्वारा ही वही हमें रिटर्न में मिलता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, और जितना लंबे समय के बाद हमें रिटर्न में मिलता है, उतना ही ब्याज सहित हमें ज्यादा करके मिलता है। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं और जितना लंबे समय के बाद हमें पैसा मिलता है, उतना ही ब्याज सहित हमें ज्यादा मिलता है। ऐसे ही यहाँ भी जो हम दान से पुण्य करते हैं, वही हमें आपदा के समय में पूरा मदद मिलती है। इसीलिए हमें दान करना चाहिए, लेकिन कई लोग दान का महत्व तो ना समझने के कारण वो दान नहीं करते हैं। उदाहरण में मैं एक के बात सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था जो कभी दान नहीं करता था। एक बार वो एक मंदिर में जाता है, सुनता है कि इस मंदिर में जो जितना धन दान करता है, उसको कई गुना धन उसको वापस मिलता है। तो उसको मन होता है, चलो आज इस मंदिर में मैं 500 रुपया दान करता हूं। तो वो लाइन में खड़ा होता है। तो उसका लाइन में खड़ा होने के बाद उसका मन चेंज हो जाता है कि 500 रुपया नहीं, चलो हम 100 रुपया देते हैं। तो क्या करता है, एक 100 रुपया का नोट लेकर खड़ा रहता है। लाइन आगे बढ़ते हैं, जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कोई 10 रुपया 20 रुपया दे रहे हैं। ये देखकर उसका मन फिर चेंज हो जाता है, सोचते हैं कि 100 रुपया नहीं, चलो 10 रुपया देता हूं। तो क्या करते हैं, फिर 100 रुपया का नोट जेब में रखकर एक 10 रुपया का नोट लेते हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, मात्र 3-4 लोग हैं और उनके पीछे, 2 लोगों के पीछे एक महिला उनको इशारा करते हैं, फिर उनको 2,000 का नोट देते हैं। जैसे ही वो 2,000 का नोट दे रहे हैं तो उनका मन में आया कि शायद मैं 100 रुपया का नोट जो चेंज करके 10 रुपया लिया, तो ये हमें 2,000 का नोट दे रहे हैं देने के लिए, ये कितने बड़े बड़े दिल की बात है। तो उसने ये सोचकर 2,000 का नोट ले लिया। फिर सोचते हैं कि 2,000 का नोट देंगे तो 10 रुपया क्या देने की जरूरत है, तो फिर वो 10 रुपया भी अपने जेब में डाल देते हैं। अब 2,000 का नोट भंडारी में डालकर वो पीछे मोड़ते हैं, पीछे मोड़कर उस भद्रा महिला को वो धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद, कितने बड़े दिल है आपके। तो भद्रा महिला जवाब देते हैं, नहीं भाई साहब, वो आपका ही नोट था, आप जब जेब से नोट ले रहे थे तो वो 2,000 का नोट नीचे गिर गया था। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो उसको बहुत बड़ा शौक लग जाता है, 2,000 का नोट दे दिया। तो ये क्या हुआ, दान हुआ कि ये पुण्य हुआ? क्योंकि मंदिर में भगवान के भंडारे में तो गया, लेकिन क्या इनको दान या पुण्य माना जाएगा? नहीं, इसको पुण्य नहीं कहेंगे। अर्थात जो दान से अगर हमें मजबूरी हम फील कर रहे हैं, दान से अगर पुण्य होता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, अगर मजबूरी हो रही है तो ये हमारा पुण्य जमा नहीं होता है, अर्थात ये हम जैसे चुकाना जैसे हो रहे। जैसे अब देखिए, कोई हमने बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके हम पैसा जमा करते हैं, हम खाली करके आ जाते हैं, लाइन में खड़ा होकर खाली कर देते हैं, लेकिन हमें क्या होते हैं, भले हम दे के बैंक में खाली होकर हम एक हल्का महसूस करते हैं, खुशी होती है, लेकिन जब कोई कर्जा चुकाते हैं तो वो खुशी नहीं होती है। कर्जा को जैसे चुकाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। इसी प्रकार
भले कोई श्रेष्ठ काम है, लेकिन अगर हम ऐसा फील करते हैं कि करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो उसमें हमारा भाग्य या पुण्य जमा नहीं होता है। तो हमें ये पिछले कोई कर्म का हमारा, जैसे कि हमने उधार में था, ये हमने अभी चुकाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। वास्तव में तो दान या पुण्य हमें खुशी होनी चाहिए। ओम शांति।